अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अपने नोटबंदी को, जनधन योजना को, बाकी सारे योजनाओं को, हम लोगों का डिमांड है कि 1500 से ऊपर में सेटलमेंट हो। बैंक हड़ताल है, जब तक आगे सूचना नहीं मिलेगी तब तक एटीएम नहीं खोलेंगे। आज से बैंक के कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, जिसको लेकर मार्च भी निकाला गया। ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक के बैनर तले गुरुवार शाम को सभी बैंक कर्मचारियों ने काली मंदिर SBI से इडवी चौक एवं बस स्टैंड होती हुई पंजाब नेशनल बैंक तक अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर मार्च निकाला। मार्च में सभी बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। SBI के सेवानिवृत्त अधिकारी अफ़ाक आलम ने कहा कि UPA के बीच वेतन वृद्धि एवं अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार व शनिवार को सभी बैंक में तालाबंदी कर हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान सभी बैंकों के कर्मचारी SBI मुख्य शाखा परिसर में धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल पर जाएंगे, अभी 2 दिन का हम लोगों का कॉल है, फिर मार्च में 31 और 1, इसके बाद मार्च में 11, 12, 13, 3 दिन का है। 1 अप्रैल से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यदि आगे बजट सत्र भी आ रहा है, बजट सत्र कल से है, उसे जब गवर्नमेंट को हम लोगों के हड़ताल से कोई मतलब नहीं है तो हम लोगों को भी उससे कोई मतलब नहीं है। आज जो है 30 महीना से ये वार्ता ही वार्ता चल रही है। अभी तक में 31 दौर की वार्ता हो चुकी है। निर्लज्ज ये IBA 2% से निगोशिएशन स्टार्ट किया, कल जाकर के 13.5 पर आया। तो इस तरह के माहौल में जब तक गवर्नमेंट को नहीं ये बात मानेगी तब तक हम लोगों का ये जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। क्या मांगे हैं? पहला मांग हम लोगों का है वेतन पुनरीक्षण, जो कि 2017 से लंबित है, नवंबर 2017 से लंबित है। पहली मांग ये है। इसके बाद हम लोगों का पेंशनर एसोसिएशन का जो है, हिंदुस्तान में कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसका कि सैलरी रिवीजन के बाद पेंशन में रिवीजन होता है, लेकिन बैंक ही ऐसी संस्था है जहां की कोई मतलब नहीं है पेंशनर को। एक बार जो रिटायरमेंट के समय पेंशन फिक्स हो गया वो आजीवन वही रह जाता है, ये सबसे दुखद है, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। पारिवारिक पेंशन अभी स्टेट माने हर बैंक में पारिवारिक पेंशन का स्तर इतना नीचे है जो कि एक लेबर क्लास को भी उससे गुजारा नहीं हो सकता है। 5 डेज बैंकिंग का है, स्टाफ का बारे है। इसके बाद समान काम के लिए समान वेतन हमारे यहाँ भी जो है स्पेशल वो हमारे यहाँ भी जो है अनुकंपा पर बाहर कर ये पर बाहर कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसको कम पैसा दे करके बैंक जो उसको बहाल कर रही है। तो समान काम के लिए समान वेतन, उसको भी एक समान वेतन मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वो समान वेतन मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अपने इनकी वार्ता हो चुकी है, 39 बार हम लोग बैठ चुके हैं IBA के साथ में, लेकिन वो 5-12.5% ऑफर कर रहा है। हम लोगों का डिमांड है कि 1500 से ऊपर में सेटलमेंट हो, इसीलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। 39 राउंड वार्ता हो चुकी है लेकिन वो ऑफर नहीं कर रहा है। 12.5% 2% से शुरू किया था, हम लोग 20-25% मांग रहे थे, अभी मांग रहे थे कि 15% से ज़्यादा सेटलमेंट हो। मेरा नाम नागेंद्र ठाकुर हुआ, मैं बैंक इसमें एक जो है डिमांड हम लोगों का है पेंशनर्स का, इस बैंक जो है बैंक का पेंशनर्स का ये हाल है कि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 4th ग्रेड एम्प्लॉई है उससे भी कम पेंशन मिल रहा है बैंक के ऑफिसर को, और ये एक यूनिक एग्जांपल है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो पेंशन मिलता है उसका कभी अपडेशन नहीं होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट में जब जब वेज रिविजन होता है एक्टिव एम्प्लॉई का उसके साथ जो है पेंशन का भी रिविजन होता है, लेकिन स्टेट बैंक का है कि जिस पेंशन पर आप रिटायर होते हैं उसी पर आपको रिटायर हो जाए बढ़ जाना है, इसीलिए हम पेंशन अपडेशन भी हम लोग का एक इशू है इसमें। आपने नोटबंदी को, जनधन योजना को, बाकी सारे योजनाओं को
कवर जरूर किया होगा यहाँ पे, और उसमें देखा होगा कि हम सारे बैंकर्स कितने मेहनत के साथ उसमें लगे और गवर्नमेंट के सारे योजनाओं को समय से पहले पूरा कराया। और हमारा वेतन जो 17 से नवंबर 2017 से अभी तक लंबित है और इस पे गवर्नमेंट सोच भी नहीं रही, तो इसके लिए हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है और इसको गवर्नमेंट को देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजीव है। किस तरह का परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत झेलना पड़ रहा है, हम लोग अपना एक गांव तो बहुत दूर है, गांव से आए हैं गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए, हम लगभग घूम चुके हैं, जॉब वाला आदमी हैं, पूरा घूमे लेकिन कहीं एटीएम से पैसा नहीं निकला, गए गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए वहाँ भी सुविधा नहीं है, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। यहाँ एटीएम में पैसा मिला है? नहीं मिला है, अभी तो लाइन तो लगे हैं, यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, हर जगह हड़ताल। अभी देखे पूछे उसको, जब जो बैंक का स्टाफ है उसको पूछे कि एटीएम खोलिए, हमको काम है बहुत ज़रूरी जाना है, तो वो बोला क्या बैंक हड़ताल है, जब तक आगे सूचना नहीं मिलेगी तब तक एटीएम नहीं खोलेंगे। पहली बार ममता इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आए हैं प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है ममता इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH57। आपके शहर एरिया में खुल गया है मल्टी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल, जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा, ICU, NICU, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो फार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज्ड लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा। हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड 0 माइल अररिया।